हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल ब्लॉग्स के एक और नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। सो चलिए वीडियो का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है पटना बिहार रीजन में अगर आप हैं और आप अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, वो चाहे कार का लाइसेंस हो चाहे टू व्हीलर का हो, गेयर विदाउट गेयर, तो आप कैसे बनवा सकते हैं इसको, ये तो सब कोई को पता है। लेकिन जब हम लोग बनाने बैठते हैं तो क्या क्या चीज़ों में हमें समस्याएँ आती हैं, वो उन चीज़ों को आप एक पेन और पेपर ले लें और उसको लिख लें, ताकि आप घर पर अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पर इंटरनेट की सहायता से जब अपना लर्निंग लाइसेंस भरें तो आपको उस चीज़ों के बारे में पता हो पहले से ही। और ये वीडियो आप देखे भी रहेंगे या मेरी सिर्फ आवाज़ भी सुन रहे हैं तो एक वाइट पेज और पेन लेके आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपके लिए लाइसेंस बनवाना, खास करके लर्निंग लाइसेंस, जो अभी नए यूज़र हैं उनके लिए आसान रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में आप और लोगों को भी बताएं, ताकि बिहार से जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जो दलाल खोरी वाली जो सर्विस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बिहार में दलाली सेवा में बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता हूं, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यहां पर अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर, वहाँ पर हम लिखेंगे परिवहन, PARIHAN, परिवहन लिख लेंगे। बस परिवहन की साइट खुल गई है, सबसे ऊपर वाली है, देखिए इस तरह की वेबसाइट होती है। इस तरह की कुछ वेबसाइट है, यहाँ पर हम स्किप टू नेविगेशन भी कर सकते हैं, स्किप टू नेविगेशन। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, ड्राइवर लर्नर लाइसेंस पर जाएंगे हम। देखिए यहाँ पर सर्विसेज हैं ABCD करके हैं, लर्नर लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, कंडक्टर लाइसेंस बनवाना है, या ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस, या स्टेटस देखना है। बता दूं कि ये स्टेटस क्या चीज़ है, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो स्टेप वाइज में बना हुआ है। जैसे एक स्टेप आप पूरा कर लेंगे उसके बाद दूसरा स्टेप आप बीच में ब्रेक लेके भी कर सकते हैं पूरा, फिर तीसरा स्टेप करेंगे उसके बाद ब्रेक ले लेंगे, फिर चौथा स्टेप करेंगे फिर ब्रेक ले लेंगे। मतलब ये वेबसाइट आपको एक एप्लीकेशन नंबर स्टेप वन पे ही निकाल के दे देगी, ताकि आप स्टेप टू को फॉलो कर, स्टेप टू को वहीं से वापस स्टार्ट कर लें जहाँ से आपने ब्रेक लगाया है। जैसे स्टेप वन मेरा कंप्लीट हो गया तो हम लंच करने चले गए बाहर, अब स्टेप टू हम बाद में किए, या स्टेप वन करने के बाद मेरी नेट चली गई या कुछ हो गया तो हम स्टेप टू उसको बाद में कंप्लीट कर लेंगे, फिर स्टेप टू करने के बाद स्टेप थ्री कर लेंगे। इस तरह से स्टेप वाइज में ये फॉर्म बनाया गया है। तो भरते समय आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी मैं अभी भर के तो नहीं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन चलिए इस तरह से आप स्किप कर दीजिए। देखिए अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए चेक पेमेंट स्टेटस भी बनाया गया है। चेक पेमेंट स्टेटस क्यों दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आपको काम आएगा, और कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन, ये वही ऑप्शन आएगा बार बार आपको जब आप स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ कंप्लीट करेंगे। आपको यहाँ पे कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन जब भी डालेंगे तो एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा, जिसको डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल के OTP के साथ आप इसको लॉगिन कीजिएगा, तो स्टेप वन के बाद जहाँ पर आपने छोड़ा था ये फॉर्म, स्टेप टू पर ये अपने आप वहाँ से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब आपको बार बार स्टेप वन पर पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वन कंप्लीट कर लिया तो टू पर आ जाइएगा, टू कंप्लीट कर लिया तो थ्री पे आ जाइएगा, और थ्री और फोर इस तरह से आपका काम हो जाएगा। अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको ये पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, फिल एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फी पेमेंट, वेरीफाई स्टेटस ऑफ द पेमेंट, इस तरह से आपका दिया गया है। कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ पर, RTO चुन लेंगे हम, जैसे BR01 है तो ये पटना का होगा। देखिए फुलवारी शरीफ का दिखा रहा है, फुलवारी शरीफ पटना का BR01 है, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देंगे क्योंकि आपके हाथ में भी हो, क्योंकि जनरेट OTP होगा यहाँ से। अब यहाँ का कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे का मैनुअली बताऊँगा, साउंड से आवाज़ से ही आप कर पाएंगे आगे का काम, क्योंकि मैंने दो लोगों का लर्नर लाइसेंस भर दिया है। अब लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए बिना दलाल की सहायता से मेरी आवाज़ को ही आप गाइडेंस के रूप में समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इसी ऐप पर ही आप आएंगे। सबसे पहले पैसे की बात कर लेते हैं, क्योंकि पैसे बहुत ज़रूरी होंगे बहुत लोगों के लिए। पैसे कितने लगेंगे लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए बिना दलाल की मदद के? टोटल आपको लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए
₹420 खर्च होंगे। और ये लर्नर लाइसेंस किस कैटेगरी में आप बनवाएंगे, वो है मोटरसाइकिल विथ गेयर। वहाँ पे दो कैटेगरी आएगी, मोटरसाइकिल विथ गेयर, मोटरसाइकिल विदाउट गेयर। मोटरसाइकिल विथ गेयर बनवाइएगा तो आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं, मोटरसाइकिल विदाउट गेयर बनवाइएगा तो लड़की लोग स्कूटी जो चलाती है उसका होता है। तो आप मोटरसाइकिल विथ गेयर का बनवाइएगा तो आप मोटरसाइकिल भी चला पाइएगा और स्कूटी भी चला पाइएगा, दोनों चीज़ चला पाइएगा। और कार का बनवाना चाहते हैं तो LMV करके एक कैटेगरी होती है, लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि कार, LMV, उसके ब्रैकेट में लिखा रहेगा नॉन कमर्शियल, यानी व्यावसायिक रूप में आप उसका इस्तेमाल नहीं ले पाएंगे, व्यावसायिक का अलग होता है। तो अधिकतर न्यू जो होते हैं लर्नर्स, वो पहले लर्नर लाइसेंस ही बनवाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि लर्नर लाइसेंस बनने के बाद ही आप 1 महीने बाद मेन लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। आप डायरेक्ट मेन लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पाइएगा, एक स्टेप है जो लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के बाद ही 1 महीने बाद अप्लाई कर सकते हैं, या लर्नर लाइसेंस जो आपको ₹420 में पटना विहार में मिलेगा, 4th फ्लोर बिस्कुमान भवन में, ₹420 दे के बिना दलाल की फ़ीस का, ये बता रहा हूँ मैं, मैनुअली नहीं आपको भरना है, आपको ऑनलाइन ही भरना है अपने लैपटॉप से, तो ₹420 लगेंगे। अब ₹420 का ब्रेकआउट मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे ₹420 लगेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी शामिल। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इशू न्यू लर्नर लाइसेंस मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, ये सरकार जोड़ती है ₹150 इसके। लर्नर लाइसेंस टेस्ट, एक नया ऐड किया गया है, लर्नर लाइसेंस टेस्ट आपको देना होगा ₹50 का। रोड सेफ्टी फीस सरकार की है, ₹50 देना होगा। सरचार्ज देना होगा क्योंकि अभी काफ़ी लोड है ट्रांसपोर्ट विभाग पे, तो सरचार्ज लर्निंग लाइसेंस का लगेगा मोटरसाइकिल विद गियर कैटेगरी का ₹150। और इंस्पेक्शन फीस लगेगा आपको ₹20, यानी इस टोटल को कर लेंगे हम तो ₹420 आपसे ऑनलाइन मांगा जाएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड से अपने SBI के डेबिट कार्ड से कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे बैठे, या फिर UPI का पेमेंट भी है। आप गूगल पे का स्कैनर खोलेंगे और जब ये फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे, एक UPI का बटन होगा वहाँ पे, पेमेंट के SBI के बगल में ही होगा, UPI दबाएंगे आप तो एक बार कोड जनरेट हो जाएगा, उसको अपने मोबाइल के पेमेंट ऐप से आप स्कैन करेंगे तो ₹420 आपके पेमेंट हो जाएंगे। पेमेंट ई बैंकिंग वाई SBI और UPI स्कैन कोड, ठीक है, ये किसी का भी UPI स्कैन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास SBI ही हो, ICICI भी हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी बैंक का हो, स्कैन करके आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। अब कुछ ज़रूरी बातें, जहाँ पे आप फंस जाइएगा लर्नर लाइसेंस बनवाते समय, आप ऑनलाइन कितने भी पढ़े लिखे हुए हों एक जगह पर आप फंसेंगे, कहाँ कहाँ पे फंसेंगे उसी पर ये वीडियो है और मैं आपको बता दूंगा, तो आप बहुत आसानी से अपने घर पे बैठे बैठे ही अपना लर्निंग लाइसेंस आप प्राप्त कर पाएंगे पटना बिहार में। पटना बिहार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि और सारे स्टेट का नियम कानून थोड़ा सा अलग है। पहले तो आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा जिसका साइज 20 KB से कम हो या 20 KB के बराबर हो। आपका सिग्नेचर चाहिए एक वाइट पेज पर, उसका भी आप फ़ोटो खींच लीजिएगा, फ़ोटो एक वाइट पेज पर अपना साइन करके फ़ोटो खींच लेना है, खींचा हुआ फ़ोटो का प्रॉपर्टीज़ चेक कर लीजिएगा, 20 KB होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपको लगेगा एड्रेस प्रूफ, प्रेजेंट जहाँ आप रह रहे हैं एड्रेस प्रूफ। अब ये एड्रेस प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी आप सुन लीजिए, आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ फ्रंट साइड ओनली, आधार कार्ड का आगे का हिस्सा सिर्फ चाहिए, पीछे का हिस्सा नहीं चाहिए, सिर्फ आगे का हिस्सा आधार कार्ड का चाहिए जिस पे डेट ऑफ बर्थ छपा हुआ रहता है आपका फ्रंट साइड। उसको एक A4 साइज का वाइट पेपर पर रख के मोबाइल का बैक कैमरा से फ़ोटो खींच लीजिएगा फ्लैश ऑफ करके। और ये जो एड्रेस प्रूफ में जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे एड्रेस प्रूफ के घर में, ये एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड जो आप खींचेंगे उसका साइज 500 KB होना चाहिए, या 500 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 500 KB के अंदर अंदर होना चाहिए, मतलब 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में जो आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ आप लगा रहे हैं वो अपलोड नहीं होगा। और आधार कार्ड आप JPEG या PDF फॉर्मेट में ही अपलोड कर लीजिएगा बहुत आसानी से। दूसरा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा एज प्रूफ। एज प्रूफ में सबके पास पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड का भी जो आप अपलोड कीजिएगा वो PDF JPEG में ही कीजिएगा, पैन कार्ड का सिर्फ फ्रंट साइड ही अपलोड करना है, 500 KB के अंदर अंदर वो भी होना चाहिए। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपका ये फॉर्म बढ़ेगा नहीं जब तक कि आप एक एप्लीकेशन कम डिक्लेरेशन टू फिजिकल फिटनेस वाला नीचे एक सेक्शन होता है उसको ना क्लिक करें। उसको क्लिक करते ही आपके पास ABCDEF करके 6 सवाल आ जाएंगे इंग्लिश में। उस 6 सवाल के ऑप्शंस में आपसे फिजिकली फिट है कि नहीं, आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, ऐसे करके येस या नो में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसका भी आंसर मैं बता देता हूँ, आपको ए में करना है नो, बी में करना है येस, सी में करना है नो, डी में करना है नो, ई में करना है नो, एफ में करना है नो। यानी बी में सिर्फ येस कर देना है
और बाकी ए सी डी ई एफ में आपको नो कर देना है, सेलेक्ट कर देना है उसको, और कैटेगरी में चुन लेना है मोटरसाइकिल विथ गेयर, नॉन ट्रांसपोर्ट, उसी में क्या आता है मोटरसाइकिल विदाउट गेयर। लड़की लोग अगर बनवा रही है तो मोटरसाइकिल विदाउट गेयर वो चुनेंगी, ताकि वो स्कूटी वगैरह चला पाएँ, जनरली बाइक वगैरह तो वो चलाती नहीं, लेकिन लड़के लोग भरेंगे तो मोटरसाइकिल विद गेयर ही चुनेंगे। मोटरसाइकिल विद गेयर चुनने से आप मोटरसाइकिल विदाउट गेयर यानी आप स्कूटी और बाइक दोनों के लिए एलिजिबल हो जाइएगा मोटरसाइकिल विथ गेयर अगर चुनते हैं तो, लेकिन मोटरसाइकिल विदाउट गेयर अगर आप चुन लीजिएगा तो आप फिर स्कूटी ही चला पाइएगा, बाइक नहीं चला पाइएगा। तो मोटरसाइकिल विथ गेयर ही चुनिए, दोनों का तो प्राइस सेम ही है, 420 रुपये ही फीस लगने वाले हैं आपके लर्नर लाइसेंस के, जो कि 6 महीने आपके वैलिड रहेंगे, 6 महीने तक आप लर्नर लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेन लाइसेंस अप्लाई कर देना होगा, वो भी ऑनलाइन ही हो जाता है, या आप चाहें तो आप में उतना सब्र नहीं है तो आप लर्नर लाइसेंस लेने के 1 महीना बाद भी मेन लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब आपके पास अगला चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट बुकिंग होगा। ये अपॉइंटमेंट बुकिंग जो होगी आपकी वो विश्वमान भवन 4th फ्लोर पर, ये अपॉइंटमेंट डेट आपको लेना पड़ेगा, जाके नहीं लेना पड़ेगा, इस ऐप में ही आपको दे दिया जाएगा स्लॉट। सरकार गवर्नमेंट के पास 2 स्लॉट्स हैं सुबह के, 1 स्लॉट में 250 सीट है उस दिन का, यानी 2 स्लॉट है यानी 500 सीटें हैं, एक दिन में 500 कैंडिडेट्स को वो स्लॉट मिलेगा। पहला स्लॉट का जो समय है वो सुबह 10 से 1 बजे का है, दूसरा स्लॉट का जो समय है वो दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक का है, और ये जो स्लॉट बुकिंग का जो टाइम है, जो आप स्लॉट बुक कीजिएगा वो नोट कर लीजिएगा कि सुबह 10:30 बजे से 4:30 बजे तक, ये वेबसाइट बहुत अच्छा काम करती है, सुबह 10:30 से 4:30 बजे के बीच बीच में ही आप ये 1, 2, 3, 4 जो भी स्टेप्स हैं ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस लेने वाला, ये सारा आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले से ही आप एक वाइट पेज पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो का फ़ोटो खींच लीजिएगा और अपने फ़ोन में रख लीजिएगा, सिग्नेचर का भी फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा, एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड का फ्रंट साइड जो होता है केवल उसको खींच के रख लेना है, और एज प्रूफ में आपको पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फ़ोटो खींच के रख लेना है। साइजेस मैं फिर से बता देता हूँ, फ़ोटो का साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर का भी 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ में जो आधार कार्ड दीजिएगा फ्रंट साइड का उसका 500 KB साइज़ होना चाहिए, और एज प्रूफ में जो पैन कार्ड दीजिएगा उसका भी 500 KB होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो का वो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे, सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, हो सकता है कि ये अपलोड ना हो इस गलती की वजह से, ये गलती मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी फ़ोटो है, मान के चलिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस पीसी में दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इमेज आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैलेस आधार कार्ड, ठीक है, JPEG फाइल 65 KB में। अब मैं आपको बताया हूँ कि एड्रेस प्रूफ में जो आधार कार्ड है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 500 KB, तो ये 65 KB में है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था एज प्रूफ, एज प्रूफ में आपको क्या देना है, पैन कार्ड देना है, पैन कार्ड एज प्रूफ में है वो भी देखिए 500 KB से कम में होना चाहिए, तो मेरा 63 KB में है, तो ये भी अपलोड आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर एक काम करूँ, ये जो मैं व्हाट्सएप, जैसे आप खोलिएगा अपना व्हाट्सएप वेब, वहाँ फ़ोन से खींचा हुआ फ़ोटो को डायरेक्ट आप व्हाट्सएप वेब पर जब इसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपको ये इस तरह से नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, इसको मैंने रीनेम किया हुआ है, यहाँ पे इसको मैंने रीनेम कर दिया है। जैसे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है तो आप अपना नाम और सिर्फ आधार कार्ड लिखेंगे रीनेम करके उस डॉक्यूमेंट को, पैन कार्ड अपलोड करना है तो पहले यहाँ कंप्यूटर में रीनेम कर लेंगे, यानी सारा दिक्कत यहीं पर होता है, ये रीनेम आपको करना पड़ेगा। जैसे आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो अपना नाम और आधार कार्ड, अपना नाम और पैन कार्ड, इस तरह से आपको लिखना होगा, और क्या नहीं लिखना है जिसके कारण से आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप से अपलोड किया गया है, ये पिक्चर है। तो जब व्हाट्सएप से हम लोग जब कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, देखिए व्हाट्सएप से अपलोड करने में दिक्कत क्या है कि आपको ये देख रहे हैं लिखा हुआ है व्हाट्सएप ईमेल 2024-1-27, यहाँ पे ही दिक्कत है, देख लीजिए व्हाट्सएप ईमेल लिखा हुआ है यहाँ 2024 के बाद जो डैश दिया हुआ है, यही डैश जो होता है डैश डैश, ये चीज़ें वेबसाइट पर अलाउ नहीं होती हैं,
इसीलिए ये फोटो अपलोड आपका एक बार में नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ पर जाके रीनेम कर देना होगा। रीनेम ऐसे करेंगे, और जैसे हमको किसी का अपलोड करना है आधार कार्ड, तो उस आदमी का नाम लिख देंगे अरे के एस, फॉर एग्जांपल राकेश ADHA आधार कार्ड, यहाँ पर ऐसे कर देंगे। और फिर जब वेबसाइट पे जब मेरे से अपलोड करने के लिए मांगेगा, तो हम यहीं से डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे और वहाँ अपलोड करके ओके कर देंगे। लेकिन अगर हम इस तरह के नाम का हम अपलोड करेंगे, व्हाट्सएप इमेज 2024-01-23159, ये टाइम है, डॉट डाला हुआ है, ये डॉट वाला जो एक्सटेंशन होता है ये वेबसाइट पर बैन होता है। इसी कारण से बहुत बार क्या होता है, लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप से अपलोड करते हैं, लैपटॉप में व्हाट्सएप वेब से डायरेक्ट अपलोड किए, यहाँ पर डाउनलोड कर लिए, और वहीं जब अपलोड करना रहता है तो डायरेक्ट वहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको चुन लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो लिखा हुआ रहता है, यही लिखा हुआ कारण की वजह से आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है। आपको क्या करना है, पहले ही डाउनलोड करने के बाद आपको इसको रीनेम कर लेना है, वहाँ अपलोड करने से पहले ही इस फाइल को रीनेम करके इस तरह से सिंपल टाइप का लिख लेना है। मतलब यहाँ पर .jp png फलाना जी डैश हैश साइफन डॉट फॉर्ट कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन नाम और आधार कार्ड, प्लेन नाम पैन कार्ड, प्लेन नाम फोटो, प्लेन नाम सिग्नेचर, ऐसे लिख लेना है। तो एक बार में ही आपका वेबसाइट पर एक झटके में ही फोटो अपलोड होके ओके हो जाएगा, सिग्नेचर अपलोड होके ओके हो जाएगा, एड्रेस प्रूफ भी अपलोड कीजिएगा तो फटाक सा अपलोड हो जाएगा, एज प्रूफ भी डालिएगा तो फटाक सा अपलोड हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो का, पूरे वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये दोनों जो फाइल का जो डिफरेंस हम दिखा रहे हैं, ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यही चीज़ आप नहीं सुधारेंगे, डायरेक्ट इस फाइल को ही वहाँ पर ओपन करने का कोशिश करेंगे, फाइल को ओपन करने का कोशिश करेंगे तो वो एरर दिखा देगा, क्रॉस करके एरर दिखा देगा। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप वेब से आप डायरेक्ट वो फोटो खींचा हुआ को डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड करने के बाद आपके डाउनलोड सेक्शन में आ गया, तो आप इसको रीनेम कर लें। रीनेम करके यहाँ से डैश डॉट ये जितना भी फालतू चीज़ है इसको हटा लें और प्लेन टेक्स्ट ऐसे लिख दें, प्लेन टेक्स्ट जैसे हम लिखे हैं राकेश आधार कार्ड, राकेश पैन कार्ड, राकेश फोटो, राकेश सिग्नेचर, ऐसे कर लें प्लेन। ये डैश स्लैश हाइफन डॉट ये सारे जो एक्सटेंशन हैं ये parivahan.gov के ऐप के एक्सटेंशन में बैन है, वेबसाइट इसको लेती नहीं है। इसीलिए जब आप फोटो सिग्नेचर एड्रेस प्रूफ एज प्रूफ ये चार डॉक्यूमेंट जब भी अपलोड करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे क्रॉस जैसा आपको सिंबल दिखा देता है, जब ये अप्रूव जैसा दिखा देगा तो वहाँ पे टिक मार्क कर देगा। चलिए, ये बात वीडियो का सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो जान लीजिए। एक और बात जान लीजिए, ब्लड ग्रुप भी आपको पता होना चाहिए अपने, तो किसी पास के मेडिकल शॉप से या फार्मासिस्ट से या किसी डॉक्टर के लेबोरेटरी से आप अपना खून का जांच करा लीजिए। मतलब ब्लड ग्रुप आपको सिर्फ भरना है वहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए, ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्टर से निकाल के नहीं देना है, किसी को कहीं भी अपलोड नहीं करना है, सिर्फ पास के मेडिकल शॉप से अपना खून जाँच करा के पता कर लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव क्या है, जानकारी सिर्फ इस वेबसाइट में भरना रहता है, ताकि फ्यूचर में कभी आप एक्सीडेंट वगैरह हो गया, आपके पेरेंट्स के आने से पहले हॉस्पिटल में पुलिस आपको पहुंचा दी, तो वहाँ के डॉक्टर्स लोग आपको ब्लड वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ही डेटा में देख के आपको रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप की सप्लाई कर दें, आपके वेंस में या जहाँ भी हो वहाँ आपको ब्लड की ज़रूरत हो तो वो सेम ग्रुप का ब्लड आपको चढ़ा दें। बस इसके लिए ब्लड ग्रुप वहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगा जाता है और कुछ नहीं होता है। ये चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखें कि ब्लड ग्रुप हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस बनवाएं तो उसमें सही दें। अभी सिर्फ मैं लर्नर लाइसेंस की ही बात कर रहा हूँ, इसी पर यह वीडियो है मेरा। वीडियो आप यहाँ तक देख लिए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे जाए और मेरी हर एक बात को ध्यान से सुने। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि डॉक्यूमेंट अपलोड आप कर रहे हैं, फोटो सिग्नेचर एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड और एज प्रूफ में पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट का सिर्फ फ्रंट साइड का ही फोटो खींच के अपलोड करना है, फोटो 20 KB में, सिग्नेचर 20 KB, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ आधार कार्ड का फ्रंट वाला हिस्सा फोटो खींचना है 500 KB में, और एज प्रूफ में पैन कार्ड का सिर्फ फ्रंट हिस्सा 500 KB में, ठीक है। और सही समय इस वेबसाइट से लर्नर लाइसेंस बनाने का है, सुबह 10:30 से 4:30 बजे तक ये वेबसाइट बिंदास चलती है, कोई दिक्कत नहीं आता है। उसके बाद अगर आप भरिएगा तो आपका एक काम पेंडिंग हो जाएगा, वो है आपको लर्नर लाइसेंस के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना रहता है ऑनलाइन ही, कि आपको किस डेट पर जाके RTO ऑफिस, पटना बिहार में RTO ऑफिस 4th फ्लोर विस्कुमान भवन पर है, वहाँ पर जाके आपको एक काउंटर नंबर असाइन किया जाएगा, उस काउंटर पर ही मतलब ऑनलाइन ही बता दिया जाएगा आपको कि किस काउंटर पर आपको जाना है अपना लर्नर लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए। लर्नर लाइसेंस टेस्ट में 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, 15 में से 9 दे दीजिएगा तो आप पास हो जाइएगा। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, ये टेस्ट छोटा सा टेस्ट होता है,
और टेस्ट देने के लिए आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव पहले ही कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। हर सवाल को यस या नो चुनने के लिए आपको 30 सेकंड दिया जाएगा। फिर लर्नर लाइसेंस, फिर आपको जो लर्निंग लाइसेंस है वो तुरंत छाप के प्रिंटर से दे दिया जाएगा हाथों हाथ उस काउंटर पर। उस काउंटर पर आपको बुलाया क्यों जाता है अपॉइंटमेंट के लिए, ये भी आप जान लीजिए। अपॉइंटमेंट जैसे लीजिएगा जिस दिन का, उस दिन आपको उस काउंटर पर जाना है। उस काउंटर पर एक वेबकैम लगा रहेगा और एक टैबलेट लगा रहेगा, लाइट पेन उसमें कनेक्टेड रहता है। तो वो वेबकैम से आपका फ़ोटो खींच लिया जाएगा सामने, वहीं पर लर्नर लाइसेंस का जो आपका कागज मिलेगा उस पर आपका वो फ़ोटो छापने के लिए तुरंत आपका वहाँ पर फ़ोटो खींच लिया जाएगा। एक टैबलेट पर आपको बोला जाएगा एक पेन से साइन करना, तो वो साइन होकर आपके लर्नर लाइसेंस के कागज़ पर आ जाएगा तुरंत। मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर लेने के लिए बस बुलाया जाता है वहाँ 7 नंबर काउंटर पर, विस्कुमान भवन में आपको बुलाया जाएगा। 7 नंबर नहीं है, काउंटर अलग अलग भी हो सकता है। जो भी आप स्लॉट बुकिंग करेंगे उसके बाद आपको काउंटर नंबर असाइन कर दिया जाएगा। और ये सारा काउंटर नंबर वगैरह जो भी आप असाइन होगा ये आप खुद चुन सकते हैं अपने घर पे ही, ऑनलाइन ही आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। भरते भरते फॉर्म स्टेप वाइज जैसे जैसे भरिएगा वैसे वैसे आपको दिख जाएगा। आपको 2 स्लॉट्स में आप वहाँ पर जा सकते हैं उस काउंटर पर। पहला स्लॉट है दिन के 10 बजे से 1 बजे का स्लॉट है, जिसमें कुल 250 आदमी का वहाँ पर काम होगा। दूसरा स्लॉट है 2 बजे से शाम के 5 बजे तक, वहाँ पर आप दूसरा स्लॉट भी चुन सकते हैं। मतलब 2 से 5 शाम का चुन लीजिए या सुबह के 10 से 1 वाला चुन लीजिए, किसी भी टाइम वाला चुनिएगा। मतलब कि स्लॉट चुन लीजिए और डेट चुन लीजिए कि आपको किस दिन आप फ्री हैं, उसी दिन आप जाइएगा। वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आपका फ़ोटो खींच लिया जाएगा काउंटर नंबर 7 पर या 23 पर, जो भी हो। खाली पहले ही आपको बता दिया जाएगा ऑनलाइन ही कि कहाँ पर आपको जाना है। फ़ोटो खींच लिया जाएगा, साइन करवा लिया जाएगा। उसके बाद आपसे एक लर्नर लाइसेंस का टेस्ट छोटा सा दे दिया जाएगा, या हो सकता है वो स्किप हो जाए वो पार्ट। उसके बाद आप उस लर्नर लाइसेंस टेस्ट को स्किप करते हैं या दे देते हैं वहाँ पर। उसके बाद आपको हाथों हाथ उसी काउंटर पर, जिस काउंटर पर आपका फ़ोटो खींचा गया है और साइन कराया गया है, आपको एक पतला सा कागज़ पर ब्लू रंग का सिहाई से छपा हुआ एक लर्नर लाइसेंस रसीद जैसा बिल्कुल दिखेगा, वैसा मत समझिएगा स्मार्ट कार्ड वाला। स्मार्ट कार्ड वाला मेन लाइसेंस जब बनता है तब मिलता है, ये भी कागज़ जैसा ही मिलेगा आपको। अपना कागज जैसा वाला लेकर घर चले आइएगा, आराम से हो गया आपका लर्नर लाइसेंस कंप्लीट 420 रुपये में बिना दलाल के हेल्प का। घर पे ही आपने ऑनलाइन अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर दिया। ये सबसे अहम चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार। कोई भी इमेज हो, कोई भी फ़ोटो हो, सिग्नेचर हो, एड्रेस प्रूफ हो, कोई भी हो, उसको आपको रीनेम करके सिंपल भाषा में लिख लेना है। फ़ोटो है तो फ़ोटो, उस आदमी का नाम आधार कार्ड, उस आदमी का फ़ोटो मतलब सर का नाम और फोटो, ऐसे सिंपल भाषा में लिख लेना है। ये डैश वगैरह हटा देना है, डॉट वगैरह हटा के रीनेम कर लेना है पहले ही वो सब डॉक्यूमेंट्स को। और ये जो KB वाला जो चीज़ है उसको रिक्वायर्ड साइज़ में आपको बना लेना है। रिक्वायर्ड साइज़ में आप कैसे बनाइएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल पे। जैसे फ़ोटो रिसाइजर आता है, फ़ोटो रिसाइजर, देखिए फ़ोटो रिसाइजर आ गया, फ़ोटो रिसाइजर 20 KB लिख दीजिए उस पर, 20 KB ऑनलाइन। अब इस पर क्या होगा, कोई भी आपका जो फ़ोटो है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फाइल, वो वाला फ़ोटो ले लेना है जिसको आपको 20 KB में करना है। देखिए 41.18 KB का है, इसको सेलेक्ट किया, ओपन कर लिया है। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये KB सिलेक्शन के लिए बोल रहा है। फाइल साइज 20, यूनिट KB, JPG में चाहिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं चेंज करना है, फाइल 20 KB में सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको नेक्स्ट, डाउनलोड नेक्स्ट कर देना है। ये फ़ोटो डाउनलोड होके आ जाएगा आपके पास डाउनलोड बटन, आप अपना डाउनलोड करके अपने फाइल में रख लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पर आ गया। अब देखिए जैसे ही हमने ओपन किया ऊपर में क्या दिखा रहा है, इमेज रिसाइजर 17000.jpg, ये सब हमको नहीं करना है। अब हमको ये फाइल जहाँ पर हम लोगों ने डाउनलोड किया है वहाँ पर देखिए आ गया फाइल JPG 19 KB, यानी 20 KB का हमने बोला था 19 KB का बना दिया। अब हमको क्या करना है, इस फोटो को इमेज रिसाइज डैश, देखिए यहाँ डैश आ गया, अभी डायरेक्ट सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे वेबसाइट में तो ये अपलोड नहीं होगा। हमको क्या करना है, इसको ऐसे करके यहाँ से रीनेम कर लेना है। रीनेम करके हम लोग लिख देंगे SHAIL ESLS फोटो, फोटो सेलेस फोटो, जिस आदमी का नाम है फोटो, बस डैश वगैरह कुछ नहीं देना है, एंटर कर देना बस। यहाँ पे इस तरह से हम लोग अपना रीनेम करके रख लेंगे। तो क्या होगा, जब वेबसाइट पर हमको फ़ोटो अपलोड करना होगा
तो अपलोड करके ओपन जब करके हम यहाँ से चुनेंगे, हमको तो ये प्लेन टेक्स्ट वाला ही वहाँ पर दिखाई देगा प्रॉपर्टीज़ में। हम लोग इसी को सेलेक्ट कर लेंगे लोकेशन पॉइंट करके, और जब हम लोग ओपन करेंगे तो ऐसे टिक करके वो आ जाएगा कि अपलोड हो गया एक बार में ही। लेकिन हम लोग इस तरह का अगर ये टेक्स्ट वाला अगर अपलोड करेंगे, मान लीजिए यही चीज़ ओपन कर दिए डायरेक्ट, तो वो क्रॉस मार देगा कि अपलोड नहीं होगा, फेल हो जाएगा, फोटो अपलोड है ना। तो इसको रीनेम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीनेम नहीं करते हैं तो आपका हर बार फोटो सिग्नेचर, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ बार बार वो रिजेक्ट कर देगा वेबसाइट, क्योंकि उसमें डैश और डॉट और हैश का जो एक्सटेंशन है वो बैन किया हुआ है। मतलब वहाँ डॉट, हैश ये सब चीज़ नहीं इमेज में, इमेज के टेक्स्ट में सेव हुआ हुआ अपलोड होना चाहिए, प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए उसमें। आपको पहले ही डाउनलोड करके यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में अपने इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप लोग, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ये तो आप चीज़ समझ गए। एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि ज़रूरी है, अब एक ज़रूरी चीज़ और बताता हूँ। स्लॉट बुकिंग आप कर लिए कि आपको इस डेट को इतना बजे जाना है, तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिख लीजिएगा, आधार कार्ड अपना ओरिजिनल ले जाना है और एक जेरोक्स कॉपी, पैन कार्ड ओरिजिनल ले जाना है, एक जेरोक्स कॉपी उसी का, एक ई रिसिप्ट ले जाना है फॉर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन। ई रिसिप्ट वही रिसिप्ट है 420 रुपये वाला, आपको मैं दिखा देता हूँ। ई रिसिप्ट मैं दिखाता हूँ, इस तरह का ई रिसिप्ट दिखता है कुछ, देखिए इस तरह का ई रिसिप्ट है। यहाँ पे इशू न्यू लर्नर लाइसेंस 150 रुपया, लर्नर लाइसेंस टेस्ट 50 रुपया, रोड सेफ्टी फीस 50 रुपया, सर चार्ज लर्निंग लाइसेंस का मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट 150 रुपया, इंस्पेक्शन फीस मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट 20 रुपये। देखिए 420 रुपये का पूरा ये पर्ची कटा हुआ है। ई रिसिप्ट यही है, ई रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस ये ले जाना है। एक एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप होता है जो आपको इस फॉर्म को भरने के फर्स्ट स्टेप पर ही मिलेगा, उसको ले जाना है। और एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर फॉर लर्नर लाइसेंस होता है वो ले जाना है, वो भी आपको मिलेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद स्टेप वाइज, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहीं पर होगा मेरे पास। देखिए इस तरह का प्रोविजनल अपॉइंटमेंट फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट TTO पटना, इस तरह का एक एप्लीकेशन वाला भी आपको मिल जाएगा रिसिप्ट। ये रिसिप्ट सबसे अंत में आपको मिलेगा, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट, इसका आप एक जेरोक्स निकाल के, प्रिंटआउट निकाल के अपना रख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एप्लीकेशन नंबर है, डेट है, क्लास ऑफ व्हीकल लिखा हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू योर बुकिंग अपॉइंटमेंट फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट, योर लर्नर लाइसेंस टेस्ट है शेड्यूल ऑन 8 फरवरी 2024, टाइम चुना गया है दिन में 2 से 5 बजे का। इसमें बताया गया है कि 8 तारीख को आप आधा घंटा पहले आ जाएँ, कहाँ आना है, DTO पटना 4th फ्लोर विस्कुमान भवन पर आ जाना है। काउंटर नंबर आपको पहले ही बता दिया गया है, फीस भरते समय कितना नंबर काउंटर पर जाना है। ये 5 चीज़ें या 4 चीज़ें आपको लेके जानी है, नोट डाउन कर लेंगे। आधार कार्ड ओरिजिनल और उसका जेरोक्स कराया हुआ, पैन कार्ड उसका ओरिजिनल और उसका जेरोक्स कराया हुआ सिर्फ फ्रंट साइड का, ई रिसिप्ट जो आपको पहले मैंने दिखा दिया वो ले जाना है, ई रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन ये तो बता ही दिया, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप पहला फर्स्ट स्टेप पर ही आपको मिलेगा वो, और प्रोविजनल अपॉइंटमेंट फॉर लर्नर लाइसेंस ये वाला आपको मिलेगा। ये चीज़ें आपको लेके पटना DTO ऑफिस, पटना विहार के विस्कुमान भवन गांधी मैदान में 4th फ्लोर पर है, वहाँ पर आपको जो आपको काउंटर असाइन किया गया है, जैसे 7 नंबर काउंटर आपको असाइन किया गया होगा फ़ोटो खिंचाने के लिए और सिग्नेचर करवाने के लिए, और वहीं पर लर्नर लाइसेंस टेस्ट भी होगा, MCQ टाइप का होगा, बस वो करना है और यही सब डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, बस आपका काम ख़त्म। बाकी फॉर्म वगैरह तो आप घर पर ऑनलाइन ही सारा चीज़ भर के जाइएगा, पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो यही था पूरा प्रोसेस। वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बिहार में दलाली तंत्र को बिल्कुल ख़त्म कर डालें। घर पर खुद ही लर्नर लाइसेंस टेस्ट अप्लाई करें अपने लैपटॉप से बिना टेंशन के, ताकि इन दलालों के चक्कर में आप पढ़ के 4-5 हज़ार रुपये अपने ना बर्बाद कर दें, इतनी आसान सी चीज़ को ध्यान में रख के। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।